नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है। मैं हूं आपका अपना शशांक सर, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको मैंने सोचा क्यों ना प्रोवाइड कर दी जाए। आप सभी के एग्जाम सिटी आ चुके हैं, तो एग्जाम सिटी जिन भी बच्चों को फाइंड करने में, समझने में, देखने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए डीएल लर्नर्स आपके लिए एक सहूलियत लेके आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर आपका एग्जाम सिटी देखना है। देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप सीटेट.nic.in यानी कि सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप सरकारी रिजल्ट, जिसको कि सभी जानते हैं, सरकारी रिजल्ट में आप चले जाइए। और सरकारी रिजल्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी आपका एडमिट कार्ड का जो सेक्शन होता है, एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे नीचे, तो यहां पर देखेंगे ये लिखा हुआ है सीटेट जनवरी 2022 एग्जाम सिटी डिटेल। आपको इसमें क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करके इसके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर तीन चार चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहां पर आपको आपका एग्जाम सिटी चेक, एग्जाम सिटी आपको करने के लिए देगा। हाउ टू चेक एग्जाम वीडियो भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पर जाकर के क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आपको यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, सिक्योरिटी पिन भरना है। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम ये होगी, सर हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा जो नंबर है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही हमें नहीं पता है, एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है। तो जब आपने सीटेट का फॉर्म भरा होगा तो आपने ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी डाली होगी या जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा, उसके एसएमएस में या ईमेल आईडी में आपके उसमें ये सूचना पहुंचती है, मैसेज पहुंचता है, उसमें पासवर्ड लिखा होता है, उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, और आपका नाम और सक्सेसफुली टाइप पर लिख के आता है। ठीक है, तो वहां से फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहां पर क्या है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए एक सैंपल के लिए कोई एक हम ले लेते हैं, जैसे जी एक मेरे पास में एक नंबर है, वो हम ले लेते हैं और यहां पर जरा हम डालते हैं और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आपको क्या करना है कि इस पर जाकर के अपना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर फिल कर देना है, और मैंने आपको बताया कि आपको फाइंड कैसे करना है। उसके बाद में आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, महीने की जगह महीने भर दो और वर्ष की जगह भैया यहां पर वर्ष आपको भर देना है। आप क्या करेंगे, यहां पर आप भरेंगे अपना सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन जो है वो है भैया के, हाँ जी, तो यहां पर जाकर के क्या करेंगे भाई, अपना आप सिक्योरिटी पिन भर देंगे, जैसे कि मैंने यहां पर भरा हुआ है। और सिक्योरिटी पिन भरने के बाद में, भर गया भाई जी, उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे प्यारे भैया, क्या देखेंगे यहां पर आप एक बात देखेंगे, देखिएगा जी, यहां पर आप एक बात देखेंगे कि यहां पर आप सभी लोगों का क्या आ गया, बिल्कुल, तो यहां पर आप सभी लोगों को प्यारे भैया खुल के क्या आ जाता है, बिल्कुल एडमिट कार्ड यहां पर खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एडमिट कार्ड आप सभी का, ये जो सिटी वाला नाम है ये खुल करके प्यारे भैया आ गया है। जरा इस बच्चे की मैं फोटो छिपा देता हूं, हालांकि ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी चलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि भैया आपके सामने एक पेपर एक खुल के आ जाएगा, और यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है। आपका एग्जाम सेंटर कानपुर नगर में गया हुआ है, और ये आपकी एग्जाम डेट यहां पर आ गई है। यहीं पर आपको एक और बात लिखी होती है, क्या है वो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम डेट आ गई, और यहां पर आपको यह भी पता चलता है कि आपने फर्स्ट भाषा कौन सी ली और अपना सेकंड भाषा कौन सी चूज की है, ये बात भी यहां से आपको कंफर्म हो जानी है। बाकी आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं यहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या करेंगे आप भैया, अपना क्या कर लेंगे, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका सेंटर कहां गया है। एक और नवीन समस्या आपके सामने उपस्थित हो रही है, वो क्या है नवीन समस्या, ये आ रही है प्यारे भैया कि किसी किसी के उसमें ये जो फोटो और साइन है ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसको क्या करना है, तो इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है, और पोर्टल में जाकर आप क्या करेंगे, तो फिर से वही आपको करना है, क्या करेंगे भैया आप, तो आप भाई कुछ नहीं करेंगे, आप सरकारी रिजल्ट में दोबारा पहुंच जाएंगे, और सरकारी गेट में जाएंगे तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फॉर करेक्शन एडिट फॉर्म, मतलब अभी ये एडिट हो रहा है और दो ही दिन एडिट होगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। एक हो सकता है एक ही दिन एडिट हो, आपको करना क्या है, यहां पर एडिट में चले जाना है। ठीक है जी,
तो अभी तो ये नहीं खुल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सरकारी रिजल्ट में जाना है, दोबारा से इसको क्या करेंगे हम ओपन करेंगे, उसके बाद में हम भैया नीचे जाएंगे और नीचे जा करके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जी, लिखा है बिल्कुल, और यहाँ पर लिखा हुआ फॉर करेक्ट, तो यहाँ पर भैया जाएंगे और जा करके देखिए इंटरफेस खुल गया। अब देखिए करना ये है कि यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर भर दोगे एप्लीकेशन, अपना नंबर भर दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म तो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भरेंगे और यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे। मान लो कोई कहता है सर जी हमको हमारा पासवर्ड नहीं याद, तो मैंने अभी अभी बताया है कि भैया जब आप ईमेल आईडी में जाओगे तो ईमेल आईडी में आपको दोनों चीजें मिली होंगी, एक वहां पर एक नंबर का आपको पासवर्ड मिलता है, अगर मान लो किसी के पास में अगर नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके भी वो आगे जा सकता है। यहाँ पर कुछ आप कारण बता दिए, जो भी आपको बताना है आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे, ये जो है सिक्योरिटी आंसर, एक सिक्योरिटी आंसर भी आता है, उसको आइडिया से डाल के आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एडिट हो रहा है तो एडिट कर लीजिए और सबमिट कीजिए, और एक आप एक जो प्रिंट है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें सब समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत समस्या परेशानी है तो हमारे नंबर 9140049809 पर संपर्क करें और आपको जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो जरूर बताएंगे, बिल्कुल जरूर आपको बताएंगे कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे एग्जीक्यूटिव से मिले। बाकी ये जो क्लासेस हैं आपके लिए कंटिन्यू है, कई सारे लोग मैराथन क्लास करा रहे हैं, तो आप सभी के सभी लोग मैराथन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि हमारे टीचर बेहद मेहनत कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए ही हैं। 21 तारीख के बाद में इनका कोई महत्व तो नहीं बचेगा और आप भी पछताएं नहीं, अभी भी समय है, दिन रात मेहनत कीजिए, आप सफल हो, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं आपको मिले, खासकर सीटेट परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।